एक नया वर्कशॉप वाला जहाँ से शुरू से हम काम करवाते हैं उसको मैंने भेज दी। मैंने कहा यार ये तेरा मरीज आ गया, इसको कोई 5-6 दिन अपने पास रख। तो जब ये इसका हाल वाल ठीक हो जाए तो मुझे बताना, मैं ले जाऊँगा। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आप लोगों के? आज एक नई वीडियो के साथ, नए रिव्यू के साथ आज हमारे साथ इकराम भी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम इकराम भी। सबसे पहले तो आपका बड़ा शुक्रिया, बड़ी देर से आपकी तरफ से ही डिले था कि बेलिनो का हमने ओनर्स रिव्यू करना था, आज गाड़ी फाइनली आ गई है। तो आप पहले बताएँ कि ये गाड़ी कौन सी है, कौन सा मॉडल है, आपने कब ली थी? ये सुजुकी बेलिनो है। सही है, 2003 मॉडल है और मुझे तकरीबन 2-3 माह हुए हैं अभी मैंने ली है। और ये कितने की ली थी? ये तकरीबन 6.5 की ली थी मैंने। बड़ी मुनासिब है 6.5 की। हाँ, इसी वजह से ये ले ली। मैं गाड़ी छोटी ढूंढ रहा था कोई। एक्चुअली मेरे पास पहले एक जापानीज गाड़ी थी। सही है। 1000 cc। कौन सी थी? तो शेवरले जॉय। अच्छा, शेवी वैसे अमेरिकन है। अमेरिकन, अच्छा। सही है, तो उसको आपने चेंज करके इस तरफ क्यों आए? एक्चुअली मैंने शुरू से ही ना गाड़ी बड़ी चलाई है। ठीक है, ये शेवी कह लेंगे मेरी पहली गाड़ी थी जो छोटी थी। तो उस लिहाज से मुझे कंफर्ट इतना फील नहीं हुआ उसमें। सही है, तो इसलिए मैंने उसको भी लाइक कुछ 6-7 माह बाद ही उसको मैंने सेल कर दिया। ठीक है। अच्छा, पहली बात तो नई गाड़ी क्यों नहीं ली, वो इस वजह से कि पहले गाड़ियों की प्राइसेस कम थी। अच्छा, काफ़ी कम थी। यूज़ में भी? यूज़ में भी कम थी, लाइक न्यू में तो बहुत ज़्यादा इंक्रीज आ गया। मैंने एक टाइम पे रिबॉन जो है ना 7-8 लाख में, वो भी मैंने लेके वो बेची हुई है। ठीक है, होंडा सिटी भी थी मेरे पास, वो भी 7-8 लाख में आ जाती थी। लेकिन एकदम से जो प्राइसेस जंप की तो सारी गाड़ियाँ जो है ना वो बजट से निकल गई। सही है। और फिर ऑप्शन आ रही थी छोटी गाड़ियों की, हर दूसरा बंदा कह रहा था कि आप महरान ले लें, महरान ले लें, महरान ले लें। महरान की तरफ जाने को दिल ही नहीं करता था। तो वो फिर सेकंड ऑप्शन मैंने शेवी को ट्राई किया, उसकी भी ज़रा बिल्ड क्वालिटी अच्छी थी, ज़रा दरवाजे वगैरह उसका, एसी वगैरह बड़ा, बहुत एसी बहुत अच्छा था उसका। तो वो छोड़ी क्यों फिर? छोटी गाड़ी छोड़ी इसलिए थी कि काम वगैरह निकाल रही थी, क्या सीन था? काम भी लाइक पुरानी गाड़ी थी, वो भी 2010 मॉडल थी। अच्छा। काम कंपेरेटिवली उसने कम निकाला है, लेकिन उसकी ना रोड ग्रिप इतनी अच्छी नहीं थी। एक कम्फर्ट जो होता है ना आपको चलाते हुए, सही है, वो फील नहीं होता। ठीक है, तो इसमें कंफर्ट वगैरह ठीक है? इसमें वो कंफर्ट बड़ी गाड़ी वाला है, लाइक आप फैमिली के साथ लॉन्ग रूट पे जा सकते हैं। वैसे मेरी इतनी ज़्यादा ड्राइव नहीं है, लेकिन फिर भी कभी आना जाना हो तो ये गाड़ी कम से कम आपको सुकून से आप ड्राइव करते हो, आप इजी होके बैठे होते हो, इजी होके चला रहे होते हो। सही है। अच्छा, जब बंदा कोई इतनी पुरानी गाड़ी लेता है ना, 2003 मॉडल, 20 साल इसने गुजारनी है, फिर बंदा लेते हुए डरता है थोड़ा सा कि यार मेरे जैसा बंदा भी अगर ले रहा है ना, उसको पता है मैं रानवे इसलिए लेगा क्योंकि सेफेस्ट ऑप्शन है, काम निकलेगा भी तो वो करवा लेगा। और पुरानी गाड़ी में लेते हुए लोग डरते हैं कि यार इसको ले लूँ मैं, वर्कशॉप में ना खड़ी रहे, इसका काम ही ना निकलते रहे। तो वो आपने किस तरह कैटर किया, और उसके बाद में आपने अगर काम करवाया भी है तो उसका काम वगैरह आसान है, कितना क्या काम कर? देखें, जब आप नई गाड़ी से पुरानी गाड़ी में आते हैं तो ये तो बंदे को पता होता है कि कुछ ना कुछ तो आपको मैनेज करना पड़ता है। ठीक है, नई गाड़ी से मैं पुरानी गाड़ी पे पहले आने की वजह ये है कि मैं लीज़ को अवॉइड करना चाह रहा था। अच्छा, ठीक है। मैंने लाइक 2-3 गाड़ियाँ रखी हैं जो बैंक लीज थी। ठीक है, बैंक लीज होने से ये था कि इंश्योर्ड भी थी, और नई गाड़ी का अपना ही मज़ा होता है, फिर खुशबू अपनी होती है नई गाड़ी की, होती है अपनी। लेकिन उसमें ये होता है कि आपको जो भी आप अर्निंग कर रहे हो, जो भी आप कमा रहे हो, वो सारा आप बैंक को दे रहे हो। ठीक है, और एट द एंड वो गाड़ी भी आपकी अपनी नहीं है। ये चीज़ जो मुझे ना काफ़ी अरसे बाद जो है ना वो रियलाइज हुई, तो इस वजह से मैंने कहा गाड़ी जो भी ले वो कैश पे लो, सस्ती ले लो। ठीक है, लेकिन कैश पे मुझे अभी ये टेंशन नहीं है इसकी कि मैंने हर महीने इसकी किस्त भी देनी है, या बैंक मुझे फ़ोन करेगा, या गाड़ी मेरी है नहीं। ठीक है ना, और यहाँ तक होता था कि इफ़ यू आर गोइंग आउटसाइड द सिटी तो वो आपको ट्रैकर वाले कॉल कर देते हैं, हाँ जी कहाँ जा रहे हैं आप? अच्छा जी, हम जी अब शहर से बाहर जा रहे हैं, गाड़ी ओपन कर दें। तो वो अजीब सी एक फीलिंग होती है कि यार आप गाड़ी ओन भी करते हो, फिर भी आप इतनी पैसे भी दे रहे हो, लेकिन आपको इजाज़त चाहिए कि आपने बाहर लेके जाएंगे गाड़ी। हालांकि वो एक सेफ्टी फीचर के नाम पर वो देते हैं, होता तो है, लेकिन लेकिन असल में वो अपनी सेफ्टी बैंक अपनी कर रहा होता है। एग्जैक्टली, एसेट तो बैंक है ना। हाँ, एक बार ऐसे भी हुआ था कि मेरा
एक दोस्त बड़ा अच्छा, वो उसने रात को मुझे कहा कि मुझे गाड़ी चाहिए, मैंने सुबह फैमिली के साथ कहीं जाना है। अच्छा। मैंने चाबी दी, मैंने कहा चलो यार रात को ले जा, तो मैं सुबह सोया होता हूँ, लेट उठूँगा। वो गाड़ी ले गया, उसने सुबह कुछ 7-8 बजे निकलना था, वो चला गया, वो मोटर पे गया कहीं पे, तो बैंक ने कॉल की कहीं मुझे, मैं सोया हुआ था, मैं भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कॉल, उसकी गाड़ी बंद हुई पड़ी है वहाँ पे, ठीक है। तो वो बड़ी एम्बैरेसमेंट हुई उसको भी, फैमिली के साथ मुझे भी बड़ी शर्मिंदगी हुई वो, कि यार वो ये ना समझे कि शायद मैंने खुद गाड़ी बंद करवाई है, ठीक है। तो वो बड़ा अजीब से ना आप रिस्ट्रिक्शन में रहते हैं, ठीक है। अच्छा, पीस ऑफ माइंड की बात हो रही है, गाड़ी आपने ली 6.5 लाख रुपये की, पुरानी गाड़ी है, सस्पेंशन में मसले, कोई इंजन के काम शाम, क्या काम किराया उसको, कितने का काम पड़ गया आपको बाद में, टोटल आपको गाड़ी बाद में कितने की पड़ी, और आपने गाड़ी ली 6.5 लाख रुपये की। 6.5 लाख में ली गाड़ी, मेरी सस्ती मिल गई थी, वो लाइक बेचने वालों के तरीके जो होते हैं, वो उन्होंने जब इतनी सस्ती गाड़ी दी मुझे, मैंने भी वो जल्दी बाय कर ली कुछ, तो आपको मिली कहाँ से इतनी सस्ती गाड़ी, ओलेक्स ही मिली थी, तो मैंने भी वो ज़्यादा देर नहीं की उसमें लेने में, लेकिन जब ले के चलानी शुरू की, 1-2 दिन के अंदर पता लगा कि इसके वो टायर भी जो है ना वो भी बिल्कुल एंड पे हैं, सस्पेंशन में से भी आवाज़ें आ रही हैं। अब जब मैं ले रहा था गाड़ी, मैंने उस टाइम ट्राई ली उसको, मैंने कहा, मैं कहा यार ये गाड़ी बबलिंग कर रही है, उसने कहा जी वो टायर पुराने हैं, आप अपने नए डलवा लें तो सही हो जाएगी, और जब टायर डलवा भी लिए तो फिर भी उसके अंदर आवाज़ें और थोड़ी बहुत मसले थे, तो फिर मैंने वो हमारा एक है वर्कशॉप वाला जहाँ से शुरू से हम काम करवाते हैं, उसको मैंने भेज दी, मैंने कहा यार ये तेरा मरीज़ आ गया, इसको कोई 5-6 दिन अपने पास आ गया, तो जब ये इसका हाल वाल ठीक हो जाए तो मुझे बताना, मैं ले जाऊँगा। तो डॉक्टर ने बिल कितना बनाया फिर? नहीं, बिल इसका बहुत बहुत मुनासिब, मोस्टली चीज़ें जो है ना इसकी आपको यूज़ में मिल जाती हैं। एक फिगर बताया ना आपने कितने ऊपर लगाए पैसे गाड़ी को सही कंडीशन में लाने के लिए, आपको बाद में रोड पर बांधना हो? इसके तकरीबन इसने शॉक वगैरह सारे रिपेयर किए हैं, ठीक है, सस्पेंशन कंगी वगैरह रिपेयर करके रिपेयर ही किया, उसने कहा जरूरत नहीं है अभी डालने की, अभी सही चलेगी आपकी गाड़ी, कोई ज़्यादा मेजर मसला नहीं था, सही है। और वो करके फिर इलेक्ट्रिशियन के कुछ काम थे, इसकी वायरिंग वगैरह थोड़ी हिली हुई थी कुछ, सिग्नल जो है ना वो लेफ्ट राइट के वो सही नहीं चल रहे थे, लाइटें ऊपर नीचे थी, वो सारा उसने काम करके तकरीबन 25 या 30,000 में आई थिंक हमारा बिल बना था, 30,000 में उसने गाड़ी फ्रेश कर दी, गाड़ी बिल्कुल फ्रेश कर दी, 40,000 के मैंने टायर डलवाए हैं, रिमोट टायर 7.5 कर लें, हाँ 7-7.5 की आपको गाड़ी पड़ गई काम करा के, बड़ी बेहतरीन प्राइस, और क्या चाहिए इस गाड़ी में? मैं तो वो जो पहले गाड़ी थी उससे तो ये सी ड्राइव बहुत ही कम्फर्टेबल है, इसके गेयर जो है ना लंबे हैं ज़रा, और विंडोज ऑटोमेटिक हैं, एसी इसका बहुत अच्छा है, चारों वो ऑटो हैं, हाँ आपकी चारों पावर हैं आपकी, फुल ऑटो है, एक प्रेस से बस फुल नेचर फुल ऊपर, नहीं नहीं चारों पावर है लेकिन फुल ऑटो कोई नहीं, फुल ऑटो नहीं, सेंट्रल लॉक है इसके अंदर, सेंट्रल लॉकिंग है इसके अंदर, इमोबिलाइजर की भी है, ये इसकी अपनी चाबी है, उसी से ये ओपन होगी, अगर ये चाबी नहीं होगी तो वो स्टार्ट भी नहीं होगी। अच्छा, इसकी इंजन की क्या कैपेसिटी है, कितने? ये 1300 cc है, 1300 cc है, और ये EFI होगा, EFI इंजन, 1300 cc है, एवरेज क्या कह रहा है? तकरीबन 12-13 शहर में, शहर के अंदर, और आप लाइट फुट से चला रहे हैं देखो? हाँ मैं ऐसे चलाता हूँ। सही है, और लॉन्ग रूट पे कितना कर दिया? लॉन्ग रूट पे लाइक मैंने एग्जैक्टली नहीं चेक किया लेकिन 15 को होगी तकरीबन। इसको लेके गए वैसे आप कभी लॉन्ग रूट पे? मेरा घर यहाँ से काफ़ी दूर है, कितने 50-60 किलोमीटर, तो मैं रिंग रोड यूज़ करता हूँ, ठीक है, उस लिहाज से मुझे थोड़ा आइडिया है कि इसकी ड्राइव कैसी होगी लॉन्ग पे, और बड़ी कंफर्टेबल है। तो लॉन्ग रूट पे भी 120 पे कोई बबलिंग वगैरह है? नहीं नहीं, बॉडी रोल वो शुरू में था लाइक उसमें टायर वगैरह के उसके मसले थे, बॉडी में इटसेल्फ गाड़ी में बॉडी रोल वगैरह कोई नहीं है, स्टेबल है अपनी? नहीं नहीं, गाड़ी बहुत स्टेबल है, बहुत स्टेबल है, सही है। इस लिहाज से इस बजट में आपको कह लें कि बड़ी गाड़ियों वाली जो है ना वो लग्जरी आपको एक फीलिंग आती है, आपको एक कंफर्ट और एक कॉन्फिडेंस रहता है ड्राइव के अंदर, ठीक है, जो कि छोटी गाड़ियों में नहीं है। अच्छा, इसका जो स्टीयरिंग है हाइड्रोलिक है? नहीं नहीं, ये पावर स्टीयरिंग है। अच्छा, इसका एसी वगैरह अंदर बैठ के, एसी वगैरह अभी तो सर्दी है अभी बता नहीं सकते, लेकिन एसी इसका बहुत अच्छा है। अच्छा, बलिनो का एसी मशहूर है इस मामले में कि एसी इसका बहुत अच्छा है। चलें, बेहतरीन है। साथ ये गियर 5 है इसके अंदर, हाँ, लॉन्ग रूट पर तो मसला नहीं करेगी। आगे लेग स्पेस ठीक है, पीछे कैसी है सामा? ठीक है लेग स्पेस, बीच में आर्मरेस्ट भी दिया हुआ है मेरे ख्याल। ये आगे जो लगा हुआ है ये हार्ड प्लास्टिक है, लेकिन ये जनरल आ रहा था, तो पीछे भी आर्मरेस्ट है, तो बड़ी गुड है। फ्लोर बेड इसका फ्लैट नहीं है, तो 3 बंदे थोड़ा सा मुश्किल हो जाएंगे, लेकिन स्टिल बेहतर है। अच्छा, इसकी शुरू वाली जो पार्ट्स की प्राइसेस हैं वो तो ठीक है, लेकिन जो इसकी मेंटेनेंस की कॉस्ट है
इंजन ऑयल चेंज कराते हैं, सर्विस कराते हैं 3,000-5,000 किलोमीटर बाद, कितने की पड़ जाती है? तकरीबन आई थिंक फर्स्ट टाइम जब मैंने करवाया है तो उसमें सारे फिल्टर वगैरह चेंज करवा के तकरीबन 4,000 का खर्चा आया था, जो कि नॉर्मल है। अच्छा, जब पुरानी गाड़ी है, आगे डिस्क है और पिछले ड्रम है, ब्रेक्स नहीं, फोर व्हील डिस्क ब्रेक, चारों डिस्क हैं, चारों लगती सही है। हाँ, चारों वर्किंग, ABS नहीं है इसके अंदर, लेकिन चारों डिस्क है, चलो ठीक है। हाँ, सही है, काम चलता है, सही है। उसके अलावा अंदर बैठ के बाहर की कोई आवाज़ वगैरह भी मुझे तो कोई इतनी खास नहीं, कैबिन वाइज बहुत बहुत कंट्रोल्ड है इसमें। अभी इसका जो है ना वो थोड़ा सा, मैंने इंजन का कोई काम करवाया नहीं है, मुझे इसकी नॉइज़ थोड़ी ज़्यादा लग रही है, आ रही है थोड़ी सी ज़्यादा है, मैंने इसकी वो कह रहे हैं कि मेंटेनेंस वगैरह करवानी है, और ये आई थिंक ये कंट्रोल हो जाएगी, लेकिन जो वैसे गाड़ियाँ 1000 cc या 660 cc जो उनकी नॉइज़ होती है वो नहीं है इसमें, आउटसाइड नॉइज़ नहीं है। इसकी बिल्ड क्वालिटी तो बहुत अच्छी है, वो किसी ने मुझे कहा था कि बलिनो को चाहे दीवार में मार दे, दीवार टूट जाएगी, पंजाबी में कान से मारो तो कान टिक जाती है। सही हो गया, इसलिए आज से तो गाड़ी माशाल्लाह। अच्छा, आपने ऑब्वियसली रिसर्च की होगी अपनी, तो आप जब ये गाड़ी ले रहे थे, आपने गाड़ी ले ली है, इतने पैसों में इतनी गाड़ी नहीं मिलती इतने स्पेक्स के साथ। इसका भी थोड़ी सी ये ना नोटोरियस है, अपने इलेक्ट्रॉनिक जो है ना वो फ्यूजेस और अपने वायरिंग की वजह से तो थोड़े सेंसिटिव है। आई डोंट नो कि वो उसमें क्या मसला है, लेकिन मैं जो मेरा मैकेनिक है वो एक्सपर्ट है इलेक्ट्रिशियन, तो उसने मुझे मशवरा दिया था कि इसको जब आपने वॉश करना है तो कोशिश करेंगे इंजन वॉश ना करें। अच्छा, तो इसकी कॉइल्स वगैरह या इसके प्लग वगैरह पानी ना जाए, क्योंकि ये कोई ना कोई मसला करता है। तो आई डोंट नो, अभी तक कोई ऐसा एक्सपीरियंस नहीं हुआ, लेकिन ये उसने मुझे बताया था कि इसमें थोड़ा सा मसला है। सही है, डिग्गी वगैरह के अंदर स्पेस वगैरह ठीक है, क्योंकि फैमिली पे लॉन्ग रूट पे जाना हो तो सामान में आ जाता है, कितने बैग, 2-3 बैग आ जाते हैं, 3-4 बैग आ जाते हैं बड़ी सर। इसके अलावा अगर कोई चीज़ आप पूछना चाह रहे हैं इस गाड़ी से रिलेटेड जो हमने मिस कर दी है, तो कमेंट सेक्शन आपके लिए फ्री है, डेफिनेटली पूछें, हम आपके पढ़ते भी हैं कमेंट्स और रिप्लाई भी करते हैं, अपना कंटेंट इंप्रूव करने की भी कोशिश करते हैं। मज़ीद अगर आप इस तरह की वीडियोस देखना चाह रहे हैं तो हमें ओलेक्स मोटर्स को तमाम सोशल मीडिया चैनल्स पर लाइक किया करें, सब्सक्राइब किया करें, कमेंट किया करें, शेयर भी किया करें, और जब आप सब्सक्राइब करें तो नोटिफिकेशन बेल भी क्लिक किया करें, तभी यूट्यूब रिकग्नाइज करता है कि एक्चुअली एक फॉलोअर है। तो प्लीज़ हमें तमाम चैनल्स पर सब्सक्राइब करें, मिलते हैं अगली वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।